स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के लिए कुछ कॉन्सेप्ट। तो डिफरेंशिएशन फिर से स्टार्ट हो गया है 11th क्लास के बाद, फिर से ये डिफरेंशिएशन। तो जल्दी से हम 11th क्लास के सारे फार्मूले देख लेते हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। इन फार्मूलों को आपको याद रखना है और कुछ नई बातें सीखनी है, नया कॉन्सेप्ट सीखना है, जिससे हम आगे की एक्सरसाइज को और बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले 11th क्लास के इन फार्मूलों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये फार्मूले आप लिख करके कहीं भी आप अपने स्टडी टेबल के आसपास रख लीजिए, बार बार देखते रहिए, फार्मूले आपको याद हो जाएंगे 11th क्लास के अगर भूल गए हो। तो पहला फार्मूला था कांस्टेंट फंक्शन का, डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज ज़ीरो। सेकंड वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ द सम ऑफ फंक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द फंक्शन। अगर हम दो फंक्शंस के सम का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके सम और एडिशन कर सकते हो। सम एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है कर सकते हैं, सम मीन्स एडिशन ही होता है। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन है, कांस्टेंट का उसमें प्रोडक्ट हुआ है तो आप कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो। दिस इज द सिंपल रूल, दीज आर द सिंपल रूल, देर इज़ नो नीड टू प्रूव दिस। इन सबको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला नंबर फोर है आपको डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड वन, किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, दूसरे को एज इट इज़ छोड़ोगे, प्लस फिर दूसरे वाले का करोगे, पहले वाले को एज इट इज़ करोगे। ये सारे आप 11th क्लास में पढ़ चुके। फार्मूला नंबर फाइव इज एफ एक्स जी एक्स, डिवीज़न ऑफ टू फंक्शन करते हैं, मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है उसको अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर, देखो जी एक्स इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ये आप फार्मूला देख लो। ये सारे फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आगे की एक्सरसाइज, मीन्स कैलकुलस। अभी आपका कैलकुलस फाइव, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये चैप्टर्स जो मोर देन 50% सिलेबस कवर करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहीं से स्टार्ट होता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसलिए फार्मूले को याद भी करना है आपको, देखना भी है। ये फार्मूला जो फार्मूला नंबर 6 है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फार्मूला एक्चुअली चेन रूल का फार्मूला है और ये मैं आपको अभी बताऊंगा डिटेल में भी। तो ये फार्मूला है एफ जी एक्स, नहीं समझ में आ रहा होगा, दिस इज द, तो इस फार्मूले को अभी हम डिटेल में देख लेंगे। ओके, तो सिक्स वाले को स्किप कर सकते हो, लिख लेना, समझा दूंगा। फार्मूला नंबर 7 है एक्स की पावर एन, तो जो पावर होगी एन टाइम्स ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन, साइन एक्स कॉस एक्स में चेंज होता है, कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स में, टेन एक्स एक्स स्क्वायर में, कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर में, sec x sec x tan x होता है cos x का, माइनस ऑफ cos x cot x होता है। e की पावर x ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन सेम फंक्शन होता है, e की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a। इस पर काफ़ी कुछ डिस्कशन हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे क्योंकि log आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसका अलग से हम, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ये सारे डिफरेंशिएशन जो log के बताए जा रहे हैं ये नेचुरल log का डिफरेंशिएशन है, बेस e पे लिए जाते हैं। और भी log का डिफरेंशिएशन हम सीख लेंगे, अभी तक आप इतने डिफरेंशिएशन याद करोगे, इन सारे को स्टार्टिंग में नोट कर लोगे। ओके ओके, नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपका 5 पॉइंट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज का पहला स्टार्टिंग पॉइंट है, एक्चुअली टॉपिक है आपका डिफरेंसिबिलिटी। अब आपको देखना है कि डिफरेंसिबिलिटी क्या है, आपने डिफरेंशिएशन वर्ड तो सुन रखा है बट वट इज़ द डिफरेंसिबिलिटी, डिफरेंसिबिलिटी क्या है। डिफरेंशिएशन तो हमने सीख रखा है, फर्स्ट प्रिंसिपल आपने देखा, अभी आगे हम डिफरेंशिएशन के यूजेस भी देखेंगे, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस के ऊपर एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंसिबिलिटी, एक्चुअली एनसीईआरटी में बहुत, दो ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं तो बहुत कम प्रैक्टिस हो पाती है आपकी, तो बट डिफरेंसिबिलिटी आपको मालूम होनी चाहिए। देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफरेंसिबिलिटी। ओके, सो सपोज करो जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना रखा, किसी भी फंक्शन का ग्राफ हो गया, ग्राफ पे ये वाला पॉइंट है आपका x, ओके, x के बहुत क्लोज में पॉइंट होगा x माइनस एच लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में पॉइंट होगा x प्लस एच, ये दोनों पॉइंट होंगे लेफ्ट और राइट हैंड साइड में, क्लियर, बहुत क्लोज हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट है, एच गोज़ टू ज़ीरो, एच इज़ द स्मॉल नंबर जो आपने कॉन्टीन्यूटी में यूज़ किया था। सेम कॉन्सेप्ट जैसे आपने कॉन्टीन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली थी, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं।
ओके, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होते हैं तो हमारा फंक्शन डिफरेंसिबल होगा, और इसी को बोलते हैं फंक्शन हमारा डिफरेंसिबिलिटी. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंसिबिलिटी, टू चेक द फंक्शन इज डिफरेंसिबल और नॉट. क्योंकि हर फंक्शन आपका डिफरेंसिबल नहीं होगा, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका आप डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते हो. तो अभी और जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन मालूम होगा. तब तक यहाँ के लिए मैं थोड़ा सा आपको लाइन की तरफ भी ले चलता हूँ. स्लोप ऑफ द लाइन के कॉन्सेप्ट में आपने क्या देखा था, अगर याद है आपको तो बताइए. आपने स्लोप ऑफ द लाइन के कॉन्सेप्ट में क्या देख रखा था, स्लोप कैसे निकालते थे, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन. सपोज करो जो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला पॉइंट है, इस पर हमें स्लोप चाहिए, तो आप क्या करोगे स्लोप के लिए, y2 टू माइनस वाई वन. दो पॉइंट होने चाहिए स्लोप के लिए, एक पॉइंट है x, दूसरा x माइनस एच. तो x माइनस ऑफ x माइनस एच, तो डिनोमिनेटर में h हो जाएगा. y2 के प्लेस पे क्या रख सकते हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो मैंने पुट कर दिया y2 टू के वैल्यू एफ एक्स, और y1 वन स्मॉलर है, थोड़ा सा छोटा है, तो f ऑफ x माइनस एच. तो y2 टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो. आपको फर्स्ट प्रिंसिपल भी याद होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से जब डेरिवेटिव निकालते तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच अपॉन एच. जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो माइनस, वो भी कॉन्सेप्ट ठीक है, बट कैलकुलेशन में आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसी को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है. ओके, ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं. राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या है, वाई टू एक्स प्लस एच माइनस वाई वन एफ ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पे एफ लगा दो, यहाँ पे एफ एक्स लगा दो, सब्ट्रैक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एच होगा. तो दिस इज द फार्मूला एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये फार्मूला है राइट हैंड डेरिवेटिव का, ये फार्मूला है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का. दोनों इक्वल होंगे किसी पॉइंट पे तो हम बोलेंगे मेरा फंक्शन डिफरेंसिबल है, वी कैन डिफरेंशिएट द फंक्शन. क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे. ओके, सो यहाँ पे हमने इसको समराइज कर दिया है. एल एच डी एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू द फंक्शन इज, दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है. इफ़ एल एच डी आर एच डी इक्वल है तो मेरा फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंसिबल होगा. तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नोट्स के फॉर्मेट में भी लिख दिया है. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, बट इस पर जब भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आप थोड़ी सी कम करते हो, आगे आप डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर देते हो, कॉन्सेप्ट जो डिफरेंसिबिलिटी की कंडीशन है इस पर बहुत कम क्वेश्चन आपको एन सी आर टी में बहुत कम है, रेफरेंस बुक वगैरह में ज़्यादा क्वेश्चन है, बट हमारे पास जो भी क्वेश्चन है हम उसको अच्छे से कर लेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा. ओके, इस पर एक छोटा सा थ्योरम है, टू मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एवरी डिफरेंसिबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. सपोज करो आपको पता है कि ये फंक्शन डिफरेंसिबल है, इसको हम डिफरेंसिबल, कहीं से आपको ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंसिबल है, तो देर इज नो नीड टू चेक द कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डिफरेंसिबल होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही. क्लियर, जो डिफरेंसिबल होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा. जैसे अभी कोई सा एग्जांपल, अगर फंक्शन डिफरेंसिबल है तो कंटिन्यूअस होगा, तो डेज आर ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं. तो इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, इसका प्रूफ चेक कर लेते हैं. हमें फर्स्ट डेरिवेटिव से ये वाला फार्मूला माना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट. ये हमने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल याद होगा, एलेवेंथ क्लास में पढ़ा था, तो ये कॉन्सेप्ट हमें मालूम है. चलो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम प्रूफ करते हैं डेरिवेट की डिफरेंसिबल फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है. क्योंकि फंक्शन डिफरेंसिबल है इसलिए ये फार्मूला चेक करने की जरूरत नहीं है, दिस इज गिवन. ओके, नेक्स्ट वन इज एफ एक्स माइनस सी कैन बी रिटन एज एफ एक्स माइनस सी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बैलेंस करने के लिए एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया. अब दोनों साइड में हमने लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी ले लिया, ये एन सी आर टी में भी गिवन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी ले लिया दोनों साइड में. तो लिमिट की भी डिफिनीशन है, अगर टू फंक्शन का प्रोडक्ट है लिमिट में तो दोनों पे लिमिट सेपरेट अलग अलग हो जाती है, मीन्स इसका अलग इसकी अलग लिमिट हो जाएगी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए. ओके, तो जब हमने लिमिट लिया तो दिस इज एफ डैश सी, और यहाँ पे लिमिट इसके साथ सेपरेट हो गई. लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी सीधा वैल्यू आप पुट कर सकते हो, दिस इज जीरो, जीरो इज द किलर, ये जीरो इज द मल्टीप्लिकेटिव किलर, इसको भी
किल करके ज़ीरो फॉर्म कर देगा. दिस इज़ द ज़ीरो. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ज़ीरो. आप सबको अपने जैसा सेम चेंज कर लेता है. कितना पावरफुल इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में. तो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स माइनस सी इज़ ज़ीरो, तो इट कैन बी रिटन एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी लिख सकते थे, लेकिन ये कॉन्स्टेंट हो गया. कॉन्स्टेंट फंक्शन पर लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है. लिमिट तो मूव कर रही है ना, बट कॉन्स्टेंट मतलब फिक्स हो गया, तो लिमिट से कोई मतलब नहीं है. दिस इज़ कॉन्टीन्यूअस. ये कॉन्टीन्यूटी की यही तो कंडीशन थी. इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों हैं और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है. तो एवरी डिफ्रेंसिबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस बट वाइसी वर्सा इज नॉट ट्रू. अभी इसका देख लेते हैं. ये आप नहीं बोल सकते कि एवरी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इज डिफ्रेंसिबल. डिफ्रेंसिबिलिटी इज द नेसेसरी कंडीशन. कॉन्टीन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफ्रेंसिबिलिटी. बट यू कांट से दैट डिफ्रेंसिबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज डिफ्रेंसिबल. मे बी डिफ्रेंसिबल मे नॉट बी. मतलब कॉन्टीन्यूअस अगर आपका फंक्शन हो गया तो इसके पास दो तरीके के फंक्शन हो सकते हैं. डिफ्रेंसिबल हो सकता है, नॉन डिफ्रेंसिबल भी हो सकता है. बट अगर डिफ्रेंसिबल हो गया तो यहाँ पे 100% ये कॉन्टीन्यूअस होगा. देयर इज़ नो नीड टू चेक. ये आपके पास थ्योरम भी मैंने प्रूव कर दिया, आपको याद भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड. दो क्वेश्चन. ये आपका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है. 9 और 10 दो ही क्वेश्चन हैं जो डिफ्रेंसिबिलिटी पे बेस्ड हैं. तो 9 मैं स्टार्टिंग में कर देता हूँ. तो 9 क्वेश्चन इज द मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वन. अब मॉडुलस फंक्शन का आपको ग्राफ भी मालूम है. 11th क्लास में कई बार हमने मॉडुलस फंक्शन बनाया है. दिस इज मॉड एक्स माइनस वन. तरीका भी बताया था. ये मॉड एक्स है, मॉड एक्स ही देख लीजिए. ये मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ है. ये वन वाला पॉइंट है. अब ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता है, कहीं ब्रेक तो होता नहीं. फंक्शन देख के आप बता सकते हो ग्राफ कि फंक्शन तो कॉन्टीन्यूअस है. अब डिफ्रेंसिबिलिटी आपको चेक करनी है कि ये फंक्शन डिफ्रेंसिबल है या नहीं है. इसको हम चेक कर लेते हैं. किस पॉइंट पे? एक्स इज इक्वल टू वन पे हमें चेक करना है. और तुम्हें और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ. जहाँ किसी फंक्शन में शार्प चेंज होता है, स्पेशली इकोनॉमिक्स वाले तो देख ही लो, जैसे आपकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, किसी एक पॉइंट पे हो गया सडन ड्रॉप हो गया, जैसे अभी इंडियन इकोनॉमी कोरोना फैक्टर आया तो बहुत तेज़ी से ड्रॉप करेगी इकोनॉमी. तो यहाँ पे सडन चेंज आया, यहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्राफ ग्रोथ हो रहा है, देख रहे हो, ये शार्प एज बन रही है, सारे ही देख लो. तो जहाँ पे भी फंक्शन में शार्प एजेस बनती हैं वहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंसिबल होता है. मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होते. तो जस्ट आप फंक्शन को ग्राफ को देख करके बोल सकते हो फंक्शन डिफरेंसिबल है या नहीं है. कॉन्टीन्यूटी भी देख सकते हो, बट ग्राफ सारे फंक्शन का हम फॉर्म नहीं कर सकते. बट अगर आप ग्राफ बना सकते हो तो यू कैन चेक द ग्राफ. ओके, अब देखते हैं हमें 12th क्लास के लेवल का क्या. ये तो ग्राफ से हो गया. तो ग्राफ देख कर आपने मुझे पता लग गया ये शार्प एज यहाँ पे बन रही है. अब हम चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास डिफरेंसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी है. तो यहाँ पे देख लो आप. पहले मॉडुलस फंक्शन एक बार मैं फिर से आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ. मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स कैसे डिफाइन था. मॉड एक्स इज डिफाइन एज माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. इसी पे मॉड एक्स माइनस वन डिफाइन कर रहे हैं. अब मैं डायरेक्ट मॉडुलस फंक्शन बार बार आएगा तो इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए. एक्स के प्लेस में एक्स माइनस वन पुट कर दिया. देखो यहाँ पे माइनस एक्स के प्लेस पे माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स के प्लेस पे एक्स माइनस वन, एक्स इज लेस देन वन, एक्स इज ग्रेटर देन वन. ये मॉडुलस फंक्शन ड्रॉ करने के लिए भी हो गया और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया. अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू वन. एक्स इज इक्वल टू वन पे हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर देते हैं. ठीक है, तो भाई अभी आपको बताया था, सपोज करो ये वन पॉइंट है तो वन के इस साइड में पॉइंट होगा वन माइनस एच, वन के राइट हैंड साइड में पॉइंट होगा वन प्लस एच. तो वन माइनस एच वन, वन ग्रेटर है तो एफ वन माइनस एफ वन माइनस एच अपॉन एच, डिफरेंस दोनों का. यही तो होता है y2 टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन. सो f मेरा फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x माइनस वन. x के प्लेस पे हमें चेंजेस रखने हैं. x के प्लेस पे क्या रखना है, वन रखना है. वन रख दिया तो f मॉडुलस फंक्शन वन माइनस वन माइनस f ऑफ वन माइनस एच, मीन्स x के प्लेस पे वन माइनस एच रखना है, वन माइनस एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच. ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. माइनस ये तो जीरो हो गया, माइनस ऑफ वन वन कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस मॉड ऑफ माइनस एच. अब मॉडुलस फंक्शन की यही ब्यूटी है कि माइनस को भी प्लस कर देता है. कितना पॉजिटिव मैसेज है मॉडुलस फंक्शन के पास, जो भी निगेटिविटी आएगी उसको पॉजिटिव में चेंज कर देगा. दिस इज द ब्यूटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन. तो इससे आप सीखिए मॉडुलस फंक्शन से.
माइनस ऑफ मॉड एक्स यहाँ पे आया और इसको प्लस बना दिया। अब आपको मालूम होगा कि मॉड एच क्या है, एच इज पॉजिटिव नंबर, स्टार्टिंग डिफिनीशन में भी बताई गई थी, एच इज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर टेंडिंग टूवर्ड जीरो, तो मॉड एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच के इक्वल हो जाएगी, और माइनस मैंने कॉमन कर लिया, एच अपॉन एच क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अभी यहाँ पे लिमिट जीरो की तरफ मूव कर रही है, आप पुट नहीं करोगे, पहले सिंप्लीफाई कर लोगे, यहाँ वन आ गया तो माइनस वन आ गया, इसलिए इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस वन। ऐसे आप राइट हैंड डेरिवेटिव आप देख सकते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच, वन प्लस एच माइनस वन, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने में जिसको प्रॉब्लम हो गई है देख लो, एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स के प्लेस पे आपको सारी चेंजेस पुट करने हैं, ओके, सो यू कैन पुट द चेंजेस, पुट करिए आप चेंजेस को, पुट जैसे ही आप पुट करेंगे, ये वन प्लस एच माइनस वन, माइनस वन माइनस वन, ये ज़ीरो हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, सिंप्लीफाई करने के बाद h अपॉन h दैट इज इक्वल टू वन, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि ये क्या आया था, माइनस वन आया था और ये क्या आया था, वन आया था, दोनों इक्वल नहीं है, ये इसलिए फंक्शन मेरा वन पे डिफरेंसिबल नहीं है। पहले भी मैंने बताया था, जो ग्राफ हमने बताया था आपको, ग्राफ याद है, अभी ऊपर ड्रॉ भी किया था, ये ग्राफ है मॉडुलस फंक्शन का, मॉड एक्स का, ये मॉड एक्स माइनस, तो यहाँ पे सार पेज बन रही है तो एक्स इज इक्वल टू वन पे ये डिफरेंसिबल नहीं होगा, यहाँ पे इसकी सार पे जीरो पे बन रही है तो मॉडुलस फंक्शन जीरो पे डिफरेंसिबल नहीं होगा, और आप इसको मैथमेटिकली वेरीफाई भी कर सकते हो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये तो सार जहाँ पे भी सार पेज बनेगी, ग्राफ में सडन चेंज होगा, वहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होंगे। तो ये एग्जांपल हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंसिबल, क्लियर, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंसिबल, इसका एग्जाम्पल हो गया, और एवरी डिफरेंसिबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये आपको पहले बता दिया था। तो देखते रहिए, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, तो हमने चेक कर लिया, अभी इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट फिर से एक बार आप कर लीजिए, क्योंकि हम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ कैलकुलस दैट इज चेन रूल हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑल्सो नोन एज डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो एक बार उसके पहले हम देख लेते हैं, सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ द फंक्शन अलग अलग आप उसके डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के लिए ये फार्मूला है, डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस के लिए ये वाला फार्मूला है, और किसी फंक्शन को अगर किसी स्केलर से, किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई किया है तो आप कॉन्स्टेंट को बाहर रख करके फिर से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। ये थोड़े बेसिक फार्मूले थे, मैं सोच रहा था चेन रूल स्टार्ट करने के पहले आप एक बार इनको जरूर दिमाग में रखें, क्योंकि चेन रूल में बीच बीच में यूज़ करते रहेंगे इनको, और बाकी सारे फार्मूले जो पहले बताए गए थे स्टार्टिंग में उन्हें तो याद ही रखना है, वहाँ भी ये चीज़ें रिपीट हुई थी। तो अब पूरे चैप्टर नंबर 5 या बोल सकते हो कैलकुलस का सबसे फंडामेंटल फार्मूला 12th क्लास का चेन रूल, इम्पॉर्टेंट वन। एक्चुअली दिस इज़ द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, सबसे पहले आपको ये दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इज़ द कंपोजिट फंक्शन, आपको कंपोजिट फंक्शन पढ़ा ही नहीं गया है, आप जानते ही नहीं हो तो कैसे करोगे। थोड़ा सा पहले मैं कंपोजिट फंक्शन आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज भी नहीं चाहिए कंपोजिट फंक्शन की, उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। बाकी चैप्टर वन में कंपोजिट फंक्शन उतना ही है जितना मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको। सपोज़ करो हम कहीं पे ऐसे देखते हैं साइन एक्स स्क्वायर, तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो हमने सीख रखा है बट साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता है, तो इसको देखना पड़ेगा ये किन दो फंक्शंस को कंबाइन करके ये फंक्शन बना हुआ है। तो देख लो, अगर हम ऐसे कंपोजिट फंक्शन को एक बार सिंपली देख लेते हैं कि यू, ये साइन है कंपोजिट फंक्शन के लिए यू बी एक्स, देखो साइन एक्स होता है, ठीक है, कोई एफ एक्स फंक्शन है जिसका मतलब साइन एक्स है, और एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स जिसको मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया, मैंने बोला कि एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू रखो, तो दैट मींस एक्स के प्लेस पे मुझे जी एक्स पुट करना हो, जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, तो ये साइन एक्स स्क्वायर हो गया। तो कंबाइन, इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, कंबाइन कर दिया गया दो फंक्शंस को। तो आपको बस सिंपली, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी और भी तरीके होंगे तो हम और दूसरे भी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, दिस इज साइन एक्स, ओके, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज द कम्बाइंड ऑफ टू फंक्शन, क्योंकि साइन एक्स इज द सेपरेट फंक्शन, अगर इन दोनों को कम्बाइंड किया, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कैसे साइन एक्स स्क्वायर बन जाता है। ओके, अगेन सपोज करो 2x प्लस 1 का होल क्यूब है, ओके, तो दिस इज द कम्बाइंड ऑफ होल क्यूब मीन्स दिस इज एक्स क्यूब, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, अगर पहला फंक्शन हम लेते हैं एक्स, ओके,
यू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड बी हमने लिया है 2x+1। इन दोनों फंक्शन को कंबाइन करने से, कंपोजिट करने से हमें 2x+1 का होल क्यूब बनेगा। तो यू एक्स हमारा एक्स क्यूब है, एक्स के प्लेस पे अगर हम 2x+1 रख देंगे तो 2x+1 का होल क्यूब हो जाएगा। यही तो था हमारा फंक्शन, दिस इज द कंबाइंड फंक्शन। अब सपोज करो हमें 2x+1 होल क्यूब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हमें आता है, एक बार इसके स्टेप्स देख लो। तो इसको दो तरीके से आप करते हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत फास्ट आप कर सकते हो। 2x+1 को हमने ले लिया t, हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करने जा रहे हैं, 2x+1 होल क्यूब, एक बार देखते रहो। तो हमने इसको 2x+1 को क्या ले लिया, t ले लिया, दिस इज सपोज दिस इज t। तो अब हमें t क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करना है, हमें x क्यूब के सिमिलर है t क्यूब, ओके। अब आपको डिफ्रेंसिएशन करते समय हर टाइम स्टार्टिंग में भी बताया गया है, डिफ्रेंसिएशन जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है और जिसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, दोनों में जो वेरिएबल होने चाहिए दोनों सेम होने चाहिए। एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स ही चेंज होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो टी होना चाहिए, तो इस के लिए हम यहाँ पर डी टी कर देते हैं, और डी टी बैलेंस करने के लिए यहाँ पर डी टी कर देते हैं, ओके। कि यहाँ पर टी फंक्शन था तो मैंने यहाँ पर डी टी कर दिया, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। फार्मूले भी जो हमने पढ़े, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब है दैट इज 3x², ओके। यहाँ पे कुछ और नहीं है, एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, तो यहाँ पे मैंने टी लिख दिया, यहाँ पे टी लिख दिया, तो ये टी क्यूब जस्ट लाइक एक्स क्यूब दैट इज 3t², एक्स की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन मालूम है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, सेम डिफ्रेंसिएशन। एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x+1, 2x+1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x+1 का डेरिवेटिव सिंपली 2 कॉमन कर लोगे x का 1, 1 का 0, तो दैट इज 2। तो फाइनली ये क्या हो गया, 6 इंटू 2x+1 होल क्यूब। यही होता है हमारा चेन रूल, चेन सी बन गई है कंपोजिट फंक्शंस की, हर फंक्शंस को कर सकते हो। और भी तरीके हैं इसको करने के, तरीका मींस अगर आप इसको समझ जाओगे तो इन स्टेप्स को आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था हमें साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करना था, तो आपको लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करना है फंक्शन को, ये क्या है साइन एक्स और बी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को अगर हम टी ले लेते हैं तो दिस इज जस्ट लाइक साइन टी का डिफरेंशिएशन करना है, ओके। डी डी टी ऑफ साइन टी, यहाँ पे टी कर दो, यहाँ पे डी टी कर दो, सारे में स्टेप बार बार कॉमन हो गए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस टी हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 5 का 0 हो गया, तो फाइनली डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x कॉस टी, टी की वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो पुट की थी वो रख दी, हो गया ये डिफरेंशिएशन, ओके 2x। और आप देख लो यहाँ पे स्टेप्स क्या क्या ले रहे हैं, एक बार मैं यहाँ पे आपको साइड में और बता देता हूँ। एक्चुअली लेफ्ट टू राइट आप साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सारे जानते हो कॉस, एंगल चेंज नहीं होंगे जो भी वैल्यू है वहाँ पे। अब एक्स के प्लेस पे क्या चेंज हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आया इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसे लेफ्ट टू राइट आप देखते रहो। फिर एक्स यही चीज़ें तो यहाँ भी स्टेप में किया गया है सेम, ओके। नेक्स्ट उसी का यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखो लेफ्ट में क्या है, कॉस फंक्शन है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन, माइनस ऑफ साइन, लेकिन साइन एक्स, साइन कुछ नहीं होता, साइन एक्स इज द कंप्लीट फंक्शन ना, तो एक्स का यहाँ पे एंगल क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स यहाँ पे कॉपी कर लिया, एक्स के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, तो फिर से इसका डेरिवेटिव, यही है चेन रूल। या तो आप यहाँ पे टी लेकर के इस स्टेप को बड़ा कर दो, वैसे समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस के लिए अभी स्टार्टिंग में कर रहे हो, यहाँ टी ले लो फिर इंटू इंटू करते जाओ इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन टी, बट बेसिकली आंसर तो यही आएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। ये सेकंड वाला क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, फोर्थ वाला भी ले लेता हूँ। देखो अब मैं चेन रूल का ही अल्टरनेट है थोड़ा सा, आप समझ जाओगे चेन रूल में हम करते क्या हैं। देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है, sec tan रूट x, तो स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले क्या है, sec है, sec x का डिफरेंशिएशन आपको मालूम होना चाहिए, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, बट x के प्लेस पे क्या है tan रूट x है, ओके। तो sec लिखा और सेम कॉपी कर दिया tan रूट x, जो x के प्लेस पे था, बस ध्यान रखे रहना, हमने sec का किया, तो sec का क्या हो गया sec इंटू tan, x के प्लेस पे जो था tan रूट x, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, ये तो इसका इस फंक्शन को कंप्लीट करने का पार्ट है, इसी फंक्शन का पार्ट है, एंगल है एक्चुअली sin x का। अब x के प्लेस पे जो भी चेंजेस आए हैं tan रूट x, उसका फिर से डिफरेंशिएशन इनटू में करना है, यही करना है,
जो भी चेंज आ रहा है इंटू इंटू करते जाओ। अब टेन पे आ गए, आप लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड वाले फंक्शन पे आ गए, टेन रूट एक्स। ओके सेक एक्स ये कॉपी कर लिया इंटू, टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, कंप्लीट कर लेना इसको, करेक्ट कर लेना, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू। अब सेक का तो आप डिफ्रेंशिएशन, टेन का डिफ्रेंशिएशन आपने कर लिया, लेकिन टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया था ना, तो एक्स के प्लेस पे अभी भी क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन। ओके अगले स्टेप में हम इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ दोनों प्लेसेस पे आप स्क्वायर स्क्वायर कर लोगे, ठीक है। तो सेक एक्स टेन टेन रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और एक्स की पावर वन बाई टू का डिफ्रेंशिएशन हाफ, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन था एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन, एन क्या था हाफ, एक्स की पावर हाफ माइनस वन एक्चुअली, तो ये आपका कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे वन अपॉन रूट टू एक्स हो जाएगा। तो ये होता है, दिस इज द चेन रूल, चेन 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 एक दूसरे से सारे कनेक्टेड हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं लेफ्ट टू राइट आप ऑब्जर्व करते जाइए, इनटू करते जाइए, कितना भी बड़ा फंक्शन हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन। ओके अगला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का ही है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव। अब यहाँ पे पहले तो देख लो, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, लेफ्ट टू राइट ही चल रहे हैं, बट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो पहले प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का ये फार्मूला, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट डिफरेंशिएशन के साथ में। तो हम कॉस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, डैश लगा दिया मैंने, डैश मीन्स डिफरेंशिएशन, साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव डैश इंटू कॉस एक्स क्यूब, ये तो इलेवंथ क्लास का फार्मूला आ गया। अब कॉस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आप करोगे कैसे, कॉस का डिफरेंशिएटर होता है माइनस साइन, एक्स क्यूब कर दिया। अब एक्स क्यूब एक्स के प्लेस पे एक्स क्यूब है, मीन्स अगेन टेक द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, ये चेन फिर इंटू, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको आसान लगने लगेगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव इसका करना है, तो आपको लग रहा होगा कि लेफ्ट टू राइट मैंने बोला है तो साइन दिख रहा है, नहीं, साइन स्क्वायर दैट मीन्स साइन एक्स की पावर फाइव होल स्क्वायर है, तो दिस इज सिमिलर टू एक्स स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो अब एक्स के प्लेस पे यहाँ क्या है, साइन एक्स की पावर फाइव है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, टू एक्स, टू इंटू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर का माइनस वन, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर टू, एक्स के प्लेस पे क्या है, साइन एक्स की पावर फाइव, और फिर एक्स साइन डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स की पावर फाइव फिर से होगा, और ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इनटू में। ओके कर लेते हैं इसको कंप्लीट, तो फिर से डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, ये तो मालूम है थ्री एक्स स्क्वायर, सारा इनटू कर दिया, प्लस टू ये कॉपी हो गया, साइन एक्स की पावर फाइव, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स की पावर फाइव, ठीक है, और एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स की पावर फाइव है, जब तक x ना आ जाए तब तक आप करते रहिए, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन मैंने एक स्टेप यहाँ पे इसी में कर दिया, एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो, धीरे धीरे करना है, तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आराम से कर सकते हो, चाहे सपोज t वाले मेथड से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल फील लगे। तो x की पावर 5 बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कंप्लीट हो गया। ऐसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन हैं उसको कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखना, टू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन, अब कांस्टेंट को तो आप बाहर ले सकते हो, तो कांस्टेंट मैंने बाहर ले लिया, बेसिकली अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का है, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, कॉट एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू, पावर वाला क्या होता है, एक्स की पावर एन, इस टाइप का फंक्शन बन रहा है, ठीक है। अब सपोज करो एक्स के प्लेस पे क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर है, बस इतना करो, एक्स के प्लेस में यहीं पे कॉट एक्स स्क्वायर रख लो, यही था कंपोजिट फंक्शन, तो सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मिल ही रहे हैं। ओके तो यहाँ पे कॉट एक्स स्क्वायर, अब होगा क्या, जो पावर है इसका क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, जो पावर है वो यहाँ पे इनटू में आ जाएगा, और पावर माइनस वन दैट इज माइनस हाफ कॉट एक्स स्क्वायर। अब एक्स के प्लेस पे क्या चेंज आया है, एक्स के प्लेस पे आपको कॉट एक्स स्क्वायर है, तो कॉट एक्स स्क्वायर का फिर से डिफ्रेंशिएशन। अब कॉट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आप करते हैं, कॉट का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, जब तक x ना आ जाए तब तक आप डिफरेंशिएशन करते रहोगे, मीन्स जो आपके बेसिक फार्मूले हैं उसी फॉर्मेट में आना चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है,
आप 5.2 कंप्लीट कर लीजिएगा एक्सरसाइज, एक दो क्वेश्चंस आप होमवर्क में ले लीजिए। देखिए आपको पहला एक डिफरेंशिएशन ये करना है, साइन लॉग टैन एक्स स्क्वायर, मैंने थोड़ा सा लंबा दिया, साइन लॉग टैन एक्स स्क्वायर। दूसरा आपका डिफरेंशिएशन आपको करना है अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स की पावर 3, ये कर लेना। तो दो ये आपके लिए होमवर्क भी है और एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ते रहिए, थोड़ी प्रैक्टिस इसकी करते रहिए, जिससे आगे वाले एक्सरसाइजेस आसान हो जाएंगी, आसानी से फिनिश कर पाएंगे आप।